वेलकम अगेन फ्रेंड्स। वेल स्टार्ट टू द प्रॉब्लम्स के ऑल प्रॉब्लम्स आर नाउ होमवर्क। आई विल ओनली एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दैट एंड यू हाउ टू डू दैट। इज दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट लेट मी फाइंड सम रफ पेजेस फॉर मी। ओके, इट्स हियर, नो प्रॉब्लम। क्या दिया प्रॉब्लम? फिगर शोज प्लॉट ऑफ चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस और फोर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। वन सेकेंड, या फोर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विच हैव सेम प्लेट एरिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम बट डिफरेंट डिस्टेंसेज बिटवीन द प्लेट। विच वन ऑफ देम हैव स्मॉलेस्ट प्लेट डिस्टेंस? ओके, सो क्यू वर्सेस वी इज गिवन। ओके, क्यू वर्सेस वी, सो आई गेट Q upon V is equal to the slope. So Q is equal to CV. So Q upon V is equal to C. और C को क्या यूज करना है? A epsilon naught upon D. तो हर एक का निकालो, ये निकालने के बाद आपको मिल जाएगा। इसका आंसर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं बताने वाला, फटाफट फटाफट आपको आंसर देता हूँ। इसका आंसर है आपका फोर आने वाला है। ये आने वाला। ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर नेक्स्ट। ओके, ये दो है, ये बताने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप करो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये देख के लो, इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आने वाला है सी। ये देखो, हर रोज मैं आपको एटलीस्ट आई एम गिविंग यू वन टू प्रॉब्लम्स, सो आंसर इज सी। अगर दिख नहीं रहे तो ठीक से देखो, थोड़ा सा ये करो क्या उसको ब्राइटनेस उसको ठीक, मैं भूल जाता हूँ हर टाइम करने के लिए। देखो थोड़ा सा स्नैप निकल के लिए। ओके, ये भी इसका आंसर है। टू एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन डी इनटू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, डायरेक्टली भी आ सकते। ये भी है, ये थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, फोर नैनो फैराड के सब कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। थोड़ा सा किसी को अगर नहीं आ रहा है तो उसको आएगा, आपको पक्का आएगा। आई हैव अ फेथ ऑन यू, आई होप यू विल डू दैट। ओके, फिर भी करके दिखाता हूँ। फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, ये ए और ये बी। पोटेंशियल कितना दिए? 15 वोल्ट दिए। 4 4 4 4, ये 4 4 का कितना आएगा? 8 वोल्ट। अब ये 8 4 4, इसको क्या करने का? सिंपली ये 4 और ये 4, इसका हाफ करने का। ओके, और 2 हो जाएगा बाद में, 2 का 8 से करने का, नहीं तो डायरेक्टली 8 × 4 × 4 अपॉन 8 4 32, 4 4 16, 8 4 32। ओके सॉरी, इधर प्लस, वेरी सॉरी, 128 अपॉन 80 ना, समथिंग लाइक दैट इट विल कम। एंड देन यू विल गो फॉर दिस इज सी इक्विवेलेंट ना, देन यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। वी कितना दिया है? 15 दिया है। और तो ये 128 अपॉन 80 इंटू 10 रेस्ट माइनस 6 इंटू 15 इंटू 50। ये करो आप, कितना आता है देखो। आंसर मैंने निकाल के रखा है उसको, वो दे रहे 1.8। आंसर इज 1.8। और देखो जरा इसके बाद में ये देखो, एकदम इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना है बेटा, डायलेक्ट्रिक स्लैब के टू इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कैपेसिटर। पहले तो कैपेसिटर आइडेंटिकल है, सॉल्व कर दो। पहले तो कैपेसिटर कैसे आइडेंटिकल है, लेट मी राइट द प्रॉब्लम।
V1 and V2 are the potential difference between the plates of the each. पहले तो कैपेसिटर दोनों के कितने सी है, लेकिन अभी ये बिफोर इंसर्टिंग है, अभी इंसर्ट करने के बाद ये चेंज हो जाए, ये कितना हो जाएगा के सी हो जाएगा, मतलब डायलेक्ट्रिक में ये 2 सी हो जाए, तो अभी ये क्या आएगा सी और ये 2C। ओके सो सी इक्वलम कितना बनेगा बेटा, सी और 2C, सी इंटू 2C अपॉन सी प्लस 2C, सो इक्वलम कितना बन जाएगा 2C² अपॉन 3C, मतलब 2C/3। लेकिन ये सी इक्वलम निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर इन सीरीज ना, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है बराबर, सो क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ C1V1 इज इक्वल टू C2V2, हो गया। तो अभी क्या पूछा है तुमने, उन्होंने V1 और V2 के बीच में रिलेशन पूछा है, तो V1 इज इक्वल टू C2V2 अपॉन C1, C2 कितना है 2C1, ये देखो 2C V2 अपॉन C1, 2V2 आएगा, V1 इज इक्वल टू 2V2, लेकिन वो V के टर्म में पूछा है क्या। ओके 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 ठीक है, तो निकालना पड़ेगा सब आपको, वो आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और पोटेंशियल क्या पूछ रहे हैं, वी वन एंड वी टू आर द पोटेंशियल देन V1। ओके आपको यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V, दैट्स फाइन, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट। आंसर इज दे आर गिविंग ऑप्शन सी, यू डू दैट यू विल गेट इट। ये डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद तो मैंने आंसर दिया आपको, ये बन ऐसे ऐसे बनने वाला है, इसके बाद थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगाओ आ जाएगा आपको, यू विल गेट दैट नो प्रॉब्लम। इसके बाद में थोड़ा सा आपको मैं अभी शीट दे रहा हूँ, तो शीट का थोड़ा सा काम करते हैं। इसका साइमल्टेनियसली आंसर निकाल के लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख के 141 है ना, 141 को डी है, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, 142 को डी है, 143 डी है, मैंने मेरा नंबर नहीं डाला, उनका ही नंबर रखा है। ये तीन करो, सिंपल है एकदम, एज अ प्रैक्टिस। 146 ये मैंने ऐसे उठा उठा के डायरेक्टली लिखे, 146 को कितना है ए 147 डी 148 भी डी है, हो गया, ये 6 प्रॉब्लम। इसके बाद में 136 137 138 136 बी 137 डी 138 ए। सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारोज एग्जाम, ओके माय बेस्ट विशेस आर देयर विथ यू, ओके रिगार्ड्स एवीएम, थैंक्स।